वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज की वीडियो उन्होंने लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा आलस पैदा है, भाव कि आलस करके नींद बहुत ज्यादा आती है अते काम करने नूं दिल नहीं करता। जे किते किसे काम नूं करन बैठ भी जांदे ने तां उह काम नूं पूरा कर ही नहीं पाउंदे क्योंकि आलस खेड़ा नहीं छड़दा। जे काम पूरा कर लेंदे आ तां उहनूं मन ला के चा नाल नहीं कर पाउंदे, इस करके उह काम दे विच सफलता नहीं मिलदी। भाव कि हर वेले शरीर बीमार बीमार महसूस करता है, मंजे उत्ते लम्मे पए रहण नूं दिल करता है, किसी भी काम कार नूं दिल नहीं करता। तो अज की वीडियो दे विच आपां आलस तो बचन दे लई, दलिद्र तो बचन दे लई ये पाठ दसन जा रहे हैं। जेकर आपां दिन दे विच 12 बजे तो पहला ये पाठ कर लैंदे आ तां आलस दलिद्र सानूं छू भी नहीं पावेगा, साडी जिंदगी दे विच उद्दम फुरती आ जावेगी। तो इस करके अपनी पूरी वीडियो नूं ध्यान नाल सुनना अते सब तो पहला कमेंट बॉक्स दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी जरूर लिखना। तो देखो जी, सब तो पहला आपां गल करते हैं कि साडे शरीर दे विच आलस दलिद्र आउंदा क्यों। तो आलस आउण दे सिर्फ दो कारण ने, एक तो साडा शरीरक समस्या है, भाव कि जेकर शरीर नूं कोई दुख रोग लगा है तो साडा शरीर आलसी हो जाता है, जां फिर कोई वड्डा दुख रोग लगन दे संकेत भी आलस दे रूप दे विच मिल सकदे ने, क्योंकि आलसी शरीर हौली हौली दुखां रोगां दे नाल घिर ही जांदा है। तो पहला कारण तो शरीरक समस्या है, पहला तो डॉक्टर दे कोल जाके चैकअप करवाना चाहिए है कि किते साडे शरीर में कोई दुख रोग तो नहीं लग गया, जे लग्या है तो फिर उसकी दवाई खानी चाहिए है, तां ही साडा आलस दूर हो सकता है। पर जेकर तुहाडा शरीर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दुख रोग नहीं लग्या, तां भी आलस पैंदा है, तो फिर यह सीधा सीधा कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग का दूजा रूप ही आलस है। आलस इंसान कोई भी चंगा काम नहीं करन देता, आलस साडी जिंदगी का सब तो वड्डा दुश्मन है। आलस दे वस पै के मनुख निकम्मा दलिद्री हो जाता है, किसी भी काम नहीं कर पाता। तो महापुरखा ने इत्थे सानू पाठ करन कहा है। महापुरख जी कहते जो मनुख भी 12 बजे तो पहला जाप साहब जी का पाठ कर ले ना, उहदी जिंदगी का सारा आलस दलिद्र दूर हो जाता है। क्योंकि कलगीधर पातशाह जी ने सानू पंज बाणियां दा नितनेम इसे करके ही करन नूं कहा सी, तां जो ये विकार सानू छू ना सकन, साडी जिंदगी दे विच अपना प्रभाव ना पा सकन। गुरसिख हमेशा चुस्त रहे, पर असी पंज बाणियां दा नितनेम करते भी शंके करते हैं। असी कहने कि रोज रोज पाठ करन दा की फायदा है, तो रोज रोज पाठ करन दा फायदा यही हुंदा है कि साडा तन अते मन दोवें ही तंदुरुस्त रहिंदे आ। जिवें शरीर की तंदुरुस्ती के लिए सानू भोजन चाहिए है, भोजन साडे शरीर नूं ताकत दिंदा है, उसे ही तरह बाणी साडे मन नूं ताकत दिंदी है। तो रोज रोज बाणी पढ़ांगे तो साडा मन मजबूत होगा। कोशिश करनी चाहिए है कि अमृत वेले उठ के पंज बाणियां दा नितनेम करिए, वो तो करना जरूरी है, पर नाल ही नाल जाप साहिब जी दे पाठ करने चाहिए ने, साडे शरीर का आलस दलिद्र दूर होगा, साडे उत्तों कलयुग का प्रभाव दूर होगा। तो जेकर आप जाप साहिब जी दे पंज पाठ कर लेंगे ना, तो फिर तो महापुरख जी कहते वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि आलस दलिद्र भी दूर होता है, घर के होर भी कई संकट दूर हो जाते हैं, सानू साडे कम्मां विच कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती, क्योंकि जाप साहिब जी का पाठ करन दे नाल असीं सब तो वड्डे दुश्मन के उत्ते जित हासिल कर लैंदे आ। ते सब तो वड्डा दुश्मन है आलस। तो फिर आओ अज तो रोजाना ही पंज बाणियां दा नितनेम करिए, अते जे हो सके तो 12 बजे तो पहला पंज जाप साहिब जी के पाठ अलग तो कर लेने चाहिए ने, सारा ही आलस दलिद्र दूर हो जाएगा, असीं भी उद्यमी बन जावांगे, मेहनती बन जावांगे।